As we walk through the bylanes of Central Calcutta, especially searching for kites, it will not take you long to gravitate towards the kite studio of one of the legendary kite artisans of Bengal, Dhananjay Pramanik. Loved ones call him as Dhanada, and he is into this trade for over 50 years. This documentary will take you through the entire life journey of Dhanada, and through this documentary, what we from the Bongada platform want to do is that take the kite landscape of Calcutta and Bengal to the entire world. And I'm sure that with the love and support which all of you have been giving us, this dream will surely be achieved. Dosto, ye hamara jo initiative hai ki kite ke kalakaron ko Bharat varsh tak pahunchana from Bengal. Don't forget to subscribe. That's the only thing which will keep us alive. अपना जिंदगी का जो पतंगा पतंगबाजी से लेके और पतंग बनाने तक का जो सफर है, बचपन से थोड़ा पतंग का शौक बहुत था और मेरा घर में ये घराना था। मेरा पिताजी भी बहुत पतंग के शौकीन और वहाँ से चलते मेरा बड़ा दादा जो था वो भी पतंग की शौकीन, घर में सभी पतंग की शौकीन था। तो इसी चक्कर में थोड़ा हमें भी ये नशा और पतंग का जो शौक़ होता है, पतंगबाजी का जो नशा होता है, बहुत नशे से भी खतरनाक नशा है। आज ये शौक़ इतना महंगा है, फिर भी कोई इसको पीछा नहीं छोड़ा। आज भी इतना क्रेज है, हम लोग तो हैबिट है कि इतना महंगा होने का बावजूद शौकीन आज इतना महत्व दे रहा है। मेरा स्कूल लाइफ से ही हम पतंग छोटा बना लेते थे, शौक से बना लेते थे, कभी उड़ा लेते थे, कभी दिल चाहे तो। आज जहाँ तक पतंगबाजी का शौक आया, मेरा जो बड़ा भाई था वो भी मैदान में लड़ाता था, साथ जाते जाते मुझे भी लगा। तो आप तो कितने साल से इस काइट मेकिंग में आप घुसे हो? 50? हम जब क्लास 7-8 पढ़ता था, 62-63 जो राइट का बाद जो हुआ, उसके बाद वही थोड़ा थोड़ा छोटा तो वहीं से छोटा पतंग बनाते बनाते चलता ही रहता था। स्कूल टाइम था, फ्री हुआ, स्कूल से फ्री हुआ, खुद पतंगबाजी कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, छत तो फिर मज़ा ले लिया सब मिलके। आज छुट्टी का दिन तो पूरा फैमिली छत में चढ़ जाता था और मज़ा लेता था। जो अच्छा खेले उसका वाहवा होता, जो कट जाए तो उसका खाना बन। तो मोटा मोटा 62 बोलूँ तो 58 साल हो गया है लगभग। तो ऐसा ही है, तो लगभग 62 से अगर हम लोग देखें तो 58 ईयर। छोटा पतंग का जो कोई अहमियत होता नहीं है, वो ऐसी जो बनता है तो वो उसका तो अहमियत, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पतंग बनाने का जो अच्छा लड़ाकू पतंग बनाने का जो दिन आया, जब मैदान में पतंगबाजी शुरू, तब ये सोचा कि खुद से बनाया जाए लड़ाकू पतंग जो लड़ता है। तो 1970 से हमारा मैदान में एंट्री है। 1970 से मैदान में? हाँ, तो उस वक़्त यहाँ 74 में ऑल इंडिया हुआ, जो मोदी ट्रेड यहाँ स्पॉन्सर किया था। उसके बाद हुआ 92 में भी ऑल इंडिया हुआ, उसके बाद 97-8 में भी ऑल इंडिया हुआ, और इस फिलहाल एक ऑल इंडिया यहाँ हुआ है कलकत्ता में, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो गया। तो
ये मोटा मोटा इंडिया में कहाँ कहाँ उड़ा है, कलकत्ता छोड़ के भी? कलकत्ता छोड़ के समझ लीजिए पूरा हिंदुस्तान एक शहर में, अभी जो नया नया जहाँ हो रहा है वहाँ पर नहीं जा सका। और बनारस में पतंगबाजी का जो जगह है अच्छा नहीं है, बनारस बहुत डिफिकल्ट, बालू में खड़ा होकर पतंग लड़ाओ और दरिया पार होके जाओ, बस बैडली सिस्टम। तो वहाँ का जो, मगर लोकल पब्लिक को कोई रास्ता नहीं तो वहाँ से वो लोग उसी तरह निटाता है। बाकी समझ लीजिए गया नहीं आपका, जौनपुर नहीं गया, अलीगढ़ नहीं गया, अच्छा बाकी हिंदुस्तान का तो कोई सिटी, बीकानेर तक गया, बीकानेर तक, जैसा नज़दीक का सबसे नज़दीक है इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, दिल्ली। तो वहाँ वहाँ जब गए हैं तो वहाँ के काइट मेकर जो हैं वहाँ के भी, वहाँ पे भी ताल्लुकात बना है बहुत। और समझ लीजिए हिंदुस्तान में हम अपना लाइफ में जो रियलाइज किया, एक से बढ़ के एक सुरमा है, एक से बढ़ के एक फटकार है। आप फन देखिए तो सोचते पड़ जाएगा कि कितना वक्त ये बिताया है इसके पीछे। एक अच्छा खूबसूरत पतंग, अगर फैंसी पतंग और कुछ भी बना दें, बाबू खान से अच्छा हम किसी को नहीं। उससे पहले एक साहिबान था रामपुर वाले, रामपुर के रहने वाले, रामपुर चंदा साहब, जिसका लड़का अभी है हसीन, अभी जिंदा है, वो अपने पतंग का कारोबार करते हैं। उनके फादर जो था इंदिरा का टाइम में एशियाड करा था, उसकी पूरी पतंग आसमान में मॉडल से लेके एक से बढ़ के एक चीज दिखा रहे। मैं यहाँ, मेरा नाम उज्जल मिद्दा है, मैं यहाँ बचपन से ही लेता हूँ काइट्स, घोड़ा का काइट्स बहुत अच्छा होता। अभी मैं साइंस सिटी का बस चला, मेरा एक बच्चा है उनको भी पसंद है और वहाँ का और सब बच्चे लोग को भी काइट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ से लटाई उड़ाई सब कुछ लेके जा रहा हूँ क्योंकि इनका यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। तो आप धनाना, आपका काइट के डिज़ाइन जो आप बनाते हो मेनली अद्दी पौना, ये सब भी आप मेनली बना रहे हो और भी डिज़ाइन कुछ? नहीं देखिए, ये आधी और पौनी और जो भी आपका पतंग है ये तो साइज़ का बात है, ये साइज का बात है। और जहाँ फैंसी काम जो होता है तरह तरह का होता ही है, जैसा जैसा दिल में आता है जो अच्छा लगता है तो वो थोड़ा बहुत। तो कुछ कुछ फैंसी काइट्स के बारे में बोलिए जो आप बनाए हैं, जो आपके आज यहाँ पे है हमारे पास। हाँ है, ऐसे कुछ काइट्स के बारे में बताइए। हाँ, एक एक करके आप दाना बोलते रहिए, आपके काइट क्या क्या डिजाइन हैं और कितना समय लगता है ये जोड़ बनाने में, सब बनाने में? टाइम तो फैंसी जितना काम है, जितना आपका क्रिटिकल जॉब होता है उतना टाइम ज़्यादा लगता है। कुछ कुछ ऐसा होता है कि सिंपल डिज़ाइन होता है लेकिन देखने में खूबसूरत लगता है, उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। जितना कैंची का जोड़ है, कैंची का जितना जोड़ है ये टाइम नहीं, छुरी का जोड़ में उतना टाइम नहीं लगता है।
एक बार आपने छुरी का जोर में ली लगाया बस वो काम खत्म, आप उठाया जोड़ते चले जाइए। लेकिन कैंची में हर पुर्जा को आपको एक एक कर ली लगाना है, हर पुर्जा को, हर पुर्जा जैसा ये 24 पतंग है तो ये 24 ये पीस है, 24 ये पीस है, 48 पीस जोड़ाई है, 48 टाइम्स 24 काइट में, एक एक में दो दो है, एक में तो दो है ना ये पतंग, हाँ एक में ये दो है और ये दो है, चार है, दो छुरी का है दो कैंची का है, 50-50 है। देखिए यहाँ वो भी है, एक यह भी देखिए, ये छह जोड़ का है, ये छह जोड़ का है, ये छह जोड़ का है, एक दो तीन चार पाँच छह, छह जोड़ का है, दो छुरी का है चार कैंची का है, और चारों जोड़ में देखिए दो कैंची का जोड़, ये तो क्रिटिकल है ही है। आपने इतना जंतर देखा, ये छुरी और कैंची, ये चार चार पांच पांच, ये छुरी चार चार पांच पांच कैंची, ये देखा आपने और इसको वीडियो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो ये जानना चाहेंगे कि ये इतना जंतर किस बात का। तो बात ये है कि हर जंतर का अपना अपना जो काम है, जिस जगह में इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ लाइट वेट का काम है, जैसा कमानी छिलने का अलग, ठड्डा छिलने का अलग है, कागज काटने का अलग है, और जैसा जैसा इस तरह काम है, और कैंची का भी ऐसा काम है, कहीं कहीं आपको बहुत साफ चाहिए, कहीं कहीं आपको नोक वाली चाहिए, जो मुंह पे चलती है, कहाँ छोटा छोटा कारीगिरी में वो काम आता है। पतंग का सिर्फ देखने में खूबसूरत होने से नहीं होता, उसका हर सामान अच्छा लगना चाहिए, काहे पब्लिक इसका पीछे पैसा देता है, कस्टमर का पैसा वसूल होना चाहिए, शौकीन का दिल भरना चाहिए कि हमने पैसा दे के अपना जो दिया है जाहिर मिला है, नाजायज पैसा हमसे लिया नहीं, सब एकदम सेका हुआ है। हाँ सामान, और मतलब देखिए ये जो है इसका नीचे भी होगा कुछ अलग, हाँ ये सिंपल है, वेरी सिंपल है, लेकिन लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट, इसका कलर कॉन्ट्रास्ट, ये सिंपल जोड़ का है, सिंपल जोड़, ये कोई खास नहीं है, इसमें हम खास समझते ही नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन आपका हर पतंग में जो कमान कटा है बारीकी है, ये पूरा एकदम। देखिए पतंग उड़ता है दो चीज में, एक ये ठड्डा और एक कमान, तो जिसका जितना ये दो सामान अच्छा हो, तो मोटा मोटा खाना ये सब, ये जितने भी जोड़ वाले हैं इतने सारे डिजाइन के, हाँ। ये कितना दिन, कितना समय लग जाता होगा बनाने में? ये जो है ये 12 पीस जोड़ने में कम से कम तो नहीं घंटा भर खींच जाएगा, ये घंटा भर लगा है 12 तो खाली जोड़ने में, 12 पीस का एक पतंग बनाने में, एक नहीं 12 पीस का, 12 पीस बनाने में, 12 पीस को जोड़ने जोड़ने में, फिर कांप ठंडा इसका, इसका घिसना, इसको जो घिसाई देख रहे हैं आप, कौड़ी जो घिसते हैं, जो घिसाई होता है इसमें क्या होता है, कौड़ी घिसा हुआ होने से क्या होता है, इसका रौनक बढ़ जाता है। देखिए हम एक बात जानते हैं कि हमने एक चीज आजमाया, पूरा हिंदुस्तान में जितना बड़ा बड़ा फनकार को देखा, सबका अपना अलग अलग अंदाज है, अलग अलग अंदाज में सबके, बिल्कुल। आप बरेली के कारीगर का नाम आप सुने नहीं होंगे शायद ही, ये था नन्ना भेड़िया का नाम से, नन्ना भेड़िया, हाँ। कभी भी बरेली सफर में आपको अगर कहीं किसी से मुलाकात हो, किसी पतंग मेकर से हो अच्छे, जैसा मुन्ने कहा है साल ज़्यादा तो मर गया, और हम मुन्ना खां की, मुन्ने खां का भी बहुत ही उम्र हो गया है, और उनकी काम की मतलब जितना तारीफ करो उतना ही कम, मुन्ना भाई जो नन्ने भेड़िया, नन्ने भेड़िया, हाँ, उनकी खासियत ये थी कि पतंग जैसा हम लोग भी बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि सच्चा सीधा पतंग उड़े, उनकी पतंग ना दाहिना हिलता था ना बायां हिलता था, ना दाहिना ना बायां,
गारंटेड। नहीं आपके भी पतंग में तो वही है बिकॉज़ नहीं 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 इसकी बात का हम लोग का कहीं ना है, कभी ऐसा हम लोग सोचते नहीं कि जो कि हमारा पतंग सीधा नहीं, देखने में सीधा होता है, घूम जाता है, टेढ़ा कर दो सीधा हो जाता है, पतंग तो आप भी उड़ाते हैं साथ एकदम आप देख रहे हैं सीधा है फिर भी वो जा रही है, तो आपने थोड़ा दबाया टेढ़ा किया वो सीधा हो गया, तो कभी कभी टेढ़ी भी सीधी उड़ती है, कभी सीधी भी टेढ़ी उड़ती है, तो ये होता है বাংলা এর জন্যই তো নাম ঘুড়ি। আপনার যেরকম নামের একটা অর্থ আছে, আমারও নামের একটা অর্থ আছে, প্রত্যেক মানুষের নামের একটা অর্থ আছে। সেই জন্যে আমি একটা কথা বলি যে বাংলায় ঘুড়ি ও ঘোড়ে বলেই ওর নাম ঘুড়ি। আমার যার জন্য बहुत लॉकडाउन में जो देखा, लॉकडाउन का 6 मंथ पीरियड जो देखा, शायद हमने 20-25 साल में ऐसा नहीं देखा, 20-25 साल में नहीं देखा होगा जितना इस बार नहीं देखा, नहीं देखा, सच्चा बोल रहे नहीं देखा। और कलकत्ता में समझ लीजिए हर एरिया में दुकान बंद था, पुलिस ने बंद करा दिया, ये नायलॉन थ्रेड बेचने का इल्ज़ाम जिस पे था, जिसका ऊपर इन लोग का शौक हुआ, सबको बंद करा दिया, और सिर्फ हम अकेला जो हमको पुलिस एक दिन भी नहीं पूछा, मेरा भी इंक्वायरी हुआ, हमसे आके मांगा कि आप नायलॉन दीजिए, हम नाम रखते ही नहीं था, बहुत जो अभी बैंड है पूरा, बिल्कुल बैंड है। जहाँ तक आपका जैसे नायलॉन का सवाल है, मुझे तो ऐसा लगता है पब्लिक से इसको बंद नहीं कर सकता है, जहाँ इसका पैदावारी है, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर करा कि जो ये बैंड होना चाहिए, इसको मशीन को उठा लेना चाहिए जिसमें बनता है, जहाँ इसके करता हूँ, तो ये सब जो है तो जरा सा अगर सरकार इस पर ध्यान दें, पता नहीं चलता क्यों नहीं आज सरकार इसको पर ध्यान दे रहा, लेकिन इतना भी कुछ हो रहा है एक्सीडेंट, फिर भी पूरा देखिए राज जहाँ जहाँ हो रहा हूँ मैं तो परेशान, कितना आदमी का देश हुआ है, ये बहुत बुरी चीज। मेरा तो इतना रिक्वेस्ट है सरकार का पास कि सरकार इस पर ध्यान दे, तभी ना इसमें आपका इसका आसानी से एकदम आसानी से इसका बैन कर देता है, अगर सरकार चाहेगा सब कुछ कर सकता है। तो पहले 25 साल अगर मैं देखूं, पहले जो कलकत्ता में 1970s जब से आप एकदम जब यंग थे और समय का जो पतंग का देखें बहुत उड़ता था, बहुत उड़ता था कलकत्ता में बहुत उड़ता था, हर छात्र में शौक से आदमी विश्वकर्मा पूजा का दिन उठ के गुड्डी उड़ाता था, और कांसर घंटा वो छांग का ध्वनि बिगल का आवाज़ हर छात्र में म्यूजिक बज रहा है, ये मजा कहाँ, वो दिन कहाँ, उत्तर इतिहास हो गया, उत्तर इतिहास हो गया है। हम जयपुर में भी देखा, पिंक सिटी में रुका था हम जयपुर में, 14 जनवरी का वहाँ फेस्टिवल देखा, आसमान में खाली रंगीन पंछी का तरह देख रहे हैं और कुछ नहीं, आसमान देखा शाम तक अगर हवा है तो पतंग रुकी नहीं आसमान में, ये देखा इतना है पॉपुलरिटी का। और 1970 में जैसा आपको हम बता रहे हैं, एक अद्धी पतंग, देखिए ये अद्धी पतंग नहीं है, आज कलकत्ता शहर में इसको अद्धी बोल रहा है, लेकिन ये अद्धी है नहीं, अद्धी और पौनी ये जो पतंग का जो कुछ नामकरण है, इसमें बहुत कुछ लॉजिक है, इसका लॉजिक है आपको हम बता रहे हैं, ये जो साइज है ये है 2.25, ये 2.25, हाँ बाहर में यूपी में 2.25, ठीक है, और अद्धी पतंग का मतलब होता है एक कागज को दो टुकड़ा कीजिएगा, आधा कागज में एक पतंग निकलेगा, वो होता अद्धी। अच्छा, और कागज को दो टुकड़ा, हाँ ये जितना पतंग का नामकरण है सब कागज और कमानी का ऊपर नाम है, आपको हम दिखा दे रहे हैं एक चीज, अब इसका लॉजिक भी देखिए आप, जैसा पौना पतंग है तो पौना एक सीट में 3/4 सीट में वो एक पतंग बनते हैं,
पौना इसलिए उसका नाम है। एक आरा पतंग, एक कागज को आरा ई कोना से वो कोना फेंक के आप भाँज करके काटिए, आपका आरा निकल जाएगा। आरा आड़े उसको फोल्डिंग करना है। जब कलीदार पतंग यहाँ उड़ता था 80-85 में जाके कलीदार बंद हुआ, आरा कलीदार बंद हुआ। उसके बाद उसके पीछे देखिए जो कलीदार गुड्डी है उसको एक कागज का पीछे एक कली जोड़ने पड़ता है, 2.5 इंच कली जोड़ेगा तो वो आएगा कलीदार गुड्डी। अच्छा, इसीलिए बोलता है वो कलीदार गुड्डी। जैसा एक ताव का गुड्डी का जो नामकरण है वो पूरा सीट में, एक तो फुल सीट में बनता है एक ताव का गुड्डी, पूरा ताव लग जाता है। तो इसलिए हर गुड्डी का, जैसा आपने बोला मझोली का ही 27 काई, 2.5 वाली, 3 वाली, 4 वाली, 6 वाली, ये सब जो है एक कागज में 6 सिकियल पतंग आज बंद है, 3 वाली पतंग आज बंद है, जिसको यहाँ बांची बोलता, आजियाल बोलता था कलकत्ता शहर में, आज भी यूपी में 3 वाली बनता है। अच्छा। बनता है लखनऊ, बरेली, एवरीवेयर। तो धनादा, इतना बढ़िया काइट का डिजाइन हम लोग देखे हैं, मैं तो चौकन्ना रह गया हूँ। इतना बढ़िया आपका काइट का डिज़ाइन है और कितना आपका मेहनत इसमें गया है, ऑलमोस्ट 50-60 साल से आप इसमें हो, एंड आप जैसे इतने बुजुर्ग लोगों को, जो बुजुर्ग कलाकार हैं उन लोग को बोंगाडा प्लेटफॉर्म में लाके हम लोग भी बहुत ही गर्व की बात है। एंड कलकत्ता से हम लोग का प्लेटफॉर्म का मेन एम है कि कलकत्ता के कलाकारों को पैन इंडिया तक पहुँचाना। तो ये तो ये तीर एकदम दमदार, एकदम डिजाइन देख पा रहे हैं सनादा, तो इसके बारे में कुछ बताइए कैसे ये बनाए। ये कभी कभी मूड होता है, जैसा कभी कभी वाल खाली हो गया, ये देखिए दीवार में जो लगा हुआ है, दीवार में जो लगा हुआ है इसी का कॉपी लगा हुआ है, इसका कॉपी, इसका कॉपी है। ये देखिए ब्लैक एंड ग्रीन में है लेकिन डिफरेंट टाइप का है। तो ये कभी कभी मूड होता है कि जोड़ने जाड़ने का और करने का, देखने का, हाँ कोशिश करने का कि हम भी कर सके या ना कर सके, कि मेरा दिमाग में क्या चलता है। तो डिजाइन्स के आपके दिमाग में ऐसे आते हैं? हाँ 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 हाँ, ये देखिए, लेकिन ये जो टेक्निक है ये एक टेक्निकली, ये टेक्निकली पतंग है, इसमें कोई माने तकलीफ तो उतना है नहीं, लेकिन कुछ टेक्निक इसका अंदर जो है, जो इसको ये आराम से आ जाता है। अच्छा, ये टेक्निक है, इसका टेक्निक है। और मैं भी एक बात इसको मानता हूँ, बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमको भी किसी बड़ा फनकार ने बोला कि बेटा जिसका टेक्नोलॉजी जानदार है, मजबूती है, वो कामयाब हो के ही रहेगा। ये टेक्निक जिसका जितना अच्छा रहेगा उसका काम अच्छा होगा।